कोरोना वायरस के कहर से दुखी जनता ने अब आस्था की राह अपना ली है और पूजा अर्चना शुरू कर दी है। आस्था की इस आड़ में अंधविश्वास को हवा दी जा रही है। ताजा मामला प्रतापगढ़ से सामने आया है, जहां पर कोरोना माता का मंदिर बनाया गया और इस मंदिर में एक मूर्ति भी स्थापित की गई। लोग लगातार पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ की सूचना पर जिला प्रशासन एक्शन में आया। प्रशासन ने इस मंदिर को गिरा दिया और कोरोना माता की बनी प्रतिमा को थाने उठा लाई। मंदिर बनवाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखिए, हमारे एक श्रीवास्तव पड़ोसी चाचा जी हैं, वो आए थे, वो दिल्ली में रहते हैं, तो वो आए थे। हम लोग सब ऐसे बैठे थे, सुबह सुबह ऐसे ही बात होने लगा कि इतना सारा मतलब कोरोना का कहर चल रहा है हमारे देश के ऊपर, क्या करें, इसका समाधान कैसा किया जाए। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा कि चलो एक कोरोना माता जी का मूर्ति बनवाते हैं और लाके अपने गांव में स्थापित करते हैं। क्या पता इससे कोरोना माता के आशीर्वाद से थोड़ा हमारे गांव को, हमारे गांव के रहने वाले सभी को या और जो भी हैं सबको राहत मिले, ये श्रद्धा और विश्वास से लाके। कैसे पूजा पाठ करती हैं आप? पूजा पाठ कैसे, सुबह जैसे नहाते धोते हैं, नहा धो के आते हैं, फिर यहाँ पे जल रहता है, उससे हाथ पैर अच्छे से धुल के फिर आते हैं, माता को धूप बत्ती सब जलाते हैं और उनको प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, सब लोग मिल के आरती करते हैं। जैसा सभी देवी देवताओं का पूजा किया जाता है वैसा इनका भी पूजा किया जाता है, एक साधारण तरीके से, इनका कोई अलग तरीका नहीं है पूजा करने के लिए। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार अंधविश्वासी गतिविधियों से बचाव के लिए पुलिस प्रशासन ने गांव से कोरोना माता मंदिर को हटा दिया है। साथ ही पुलिस दल भी कोरोना के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हाँ बताइए, क्या मामला है कोरोना देवी के मंदिर? हम लोगों ने कोरोना मंदिर देवी की स्थापना इसलिए की कि हम लोग कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। कारण हमारे गांव में 3 लोगों की दर्दनाक मौत कोरोना के चलते हो गई, इसलिए हम लोगों ने कोरोना महामारी से बचाव हेतु मंदिर में कोरोना देवी की मूर्ति बनवा करके स्थापित कराई। रात दिन पूजा अर्चना में हम लोग लगे रहे कि इस महामारी से निजात मिले, समाजोत्थान हो, और निश्चित तौर पे पुलिस कर्मियों ने इस कोरोना देवी की मूर्ति को हटवा करके तुड़वा करके हम लोगों के श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है और हम लोग इससे बहुत क्षोभ व्यक्त करते हैं। कैसे हटवा दिया पुलिस ने? लोगों इन्हों को लगा कि ये अंधविश्वास है, लेकिन ये हम लोगों की श्रद्धा है। हम लोग दुआ, दया और दवाई तीनों पे विश्वास रखते हुए, अदृश्य शक्ति पे आस्था रखते हुए कोरोना देवी की स्थापित किए थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे। हमारी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा पे विश्वासघात कुठाराघात हमला नहीं किया जा सकता। क्या नाम है आपका? अजय शुक्ला। जानकारी के अनुसार सांगीपुर थाना इलाके के जूही शुकुलपुर में कोरोना से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया था, जिससे भयभीत होकर ग्रामीणों ने आपसी सहमति से 7 जून को गांव में एक नीम के पेड़ के नीचे कोरोना माता की मूर्ति स्थापित की और सुबह शाम आरती करने लगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।